इस सरकार में महंगाई लगातार हर चीज़ पे बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बिजली पर सभी चीज़ों पर, और यहाँ तक कि सरसों का तेल 200 रुपये किलो हो गया है, और हर रोज़ बढ़ रही बिजली पर। तो एक साल में जाने कितने बार रेट बढ़े, और यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। तो बहुत पूरे उत्तर प्रदेश की भी जनता, पूरे देश की जनता इस समय बहुत सरकार से दुखी है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो भी भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। तो ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, पूरी तरह से विफल हुई है। तो इस समय हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया है 2022 के चुनाव की तैयारी, और हमने कहा है कि सभी समान विचारधारा की पार्टियां और सभी सेकुलर पार्टियां एक हो जाएं। मैंने तो समाजवादी और समाजवादी परिवार से भी अपने परिवार से भी मैंने एक सब चीज़ें छोड़ करके एक हो जाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और देश से हटाना चाहिए। किसान तो सबसे ज़्यादा दुखी है इस समय, किसान और गरीब मजदूर सबसे ज़्यादा दुखी है, और इसलिए भी दुखी है जो किसान विरोधी जो कानून आया है, जो तीन जो कानून पास हुए हैं ये किसान विरोधी कानून हैं। अब तो इन्होंने देखिए, सरकार ने किसानों की खेती वो भी उद्योगपतियों को जाने का भय है, किसानों को MSP पर कहीं पर भी किसान के फसल को नहीं खरीदा जा रहा है। तो किसानों की तो लूट हो ही रही है, लगातार लूट, और महंगाई बढ़ती चली, हर चीज़ पर महंगाई बढ़ी है। सर आपने शिवपाल जी, आपने ABP शिखर सम्मेलन के मंच से कहा था कि अभी अखिलेश जी ने मुझे पर्सनली मिलने के लिए नहीं बुलाया, विवाह समारोह में पार्टी की बातें नहीं हुआ करती, तो इस बयान का क्या मतलब सुन रहे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि पूरा परिवार एक हो, और 2022 का चुनाव पूरा परिवार को मिलकर के लड़ना चाहिए। कहाँ कमी आ रही है ऐसा जो अभी तक पिछले 5 साल में? मैंने तो अखिलेश पर छोड़ दिया है, प्रयास भी कर लिया है, हैं, संपर्क कर, और प्रयास अभी जारी है। हमारे परिवार की परंपरागत जिला रहा है, संभल से लेके गुन्नौर से लेकर के यहाँ से, नेताजी भी जब मुख्यमंत्री थे यहाँ से भी चुनाव लड़ चुके, संभल से भी नेताजी कई बार MP रह चुके, इधर बदायूं से धर्मेंद्र रह चुके हैं, हैं। तो देखिए अभी तो जो मांग है यहाँ के लोगों ने आज मांग उठाई है, तो अभी तो हमें बात करना है, अपने समाजवादी में भी बात करना है, परिवार में भी बात करना है। परंपरागत सीट रही है, ठीक है, ये क्षेत्र रहा है और रहेगा।